बकर भाई वो देख तांगा यार, ये किसके तांगा है भाई? पता नहीं किसके पतंगा है, इधर उधर देख किसकी है तूने? एक दो तीन पतंग भाई, आज तो मजे अली भाई। अली भाई पतंग, तीन पतंग। अली भाई ये किसके हैं यार? ले ये पकड़ो गोटे यार, गोटे ना सब पकड़ा। चलो उतारे भाई, चलो चलो देख लो कोई आ ना जाए किसी की। ये खेत भी किसी के है? हाँ। ये ना कोई हमें मारे? नहीं यार कुछ नहीं होता। हेलो क्या हुआ भाई? वालेकुम सलाम, इधर जा रहे हो भाई? कौन हो आप? ये तो अबू बकर भाई भैया के पतंग। आपके पतंग है जी? तो हमने उतारने हैं यार। कैसे उतारने हैं मेरे? तो कैसे उतारोगे तुम? ये देखो हमें उतारने दो यार, हमारे पास उजार है यार। उजार है यार, हम उतार लेंगे। हम उतार देंगे। उतारने कैसे है आपने? ये कांटी डाल के हम लोग उतार लेंगे, आधे आधे कर लेंगे। आपको अभी तरीका बताएंगे, अगर आपके गिरेंगे तो आप भी फिर उतार लेना, ठीक है? आपको तरीका बताएंगे। आपसे पहले भी नहीं उतरे तो हम उतार के देंगे आपको, तरीका भी बताएंगे। आधे पतंग भी आप ले, आधे पतंग आपके, आधे हमारे, आधे। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक हो गया। चलो ना आपने हमारी तरफ देखना, हम आपको बताएंगे कैसे उतारते हैं, ठीक है? फिर आपने भी ऐसे उतारना। तो चलो नासिर भाई पकड़ो भाई, मान के भाई ये भी पकड़ो। अली भाई पकड़ो यार, भैया को भी जा सिखाते हैं यार पतंग उतारने की। अभी जी इस वक्त हम सब ने अपने अपने औजार बांध लिया है, तो आ जाओ अटैक। तो अभी जाओ, अभी देखते हैं हम लोग उतार सकते हैं नहीं। तो अभी देखे जी ऊपर कितने ज्यादा पतंग, एक दो तीन। तो अभी नासिर भाई ये उतारेंगे, ठीक है भाई? आ जाओ। तो चले जी डाले बारी बारी। सफियान भाई का मिस हो गया, नासिर भाई डाले आप। अब मैं डालता हूँ, ये उतार ले के आप तंग त्रामो के अंदर डाले। ये देखे नहीं है आप, नासिर भाई मैं ट्राई करूँ? आप ट्राई करो। ये फेंको, ये देखे नहीं यार, देखे ले आया एक पतंग हमारा आ गया नीचे। अब बकर भाई पकड़ो, क्या बात है ये देखे यार, हम लोग शाम को जाके उड़ाएंगे, मजे करें। अब ये वाला पतंग शाम को उड़ाएंगे हम लोग, इसे साइड पर रख देते हैं अभी, वो ट्राई करते हैं। इस तरह से आप लोगों ने ट्राई करने ना, सभी फेंके, कोशिश करें कि तलामों के ऊपर डालें। हाँ यार तलामों के ऊपर ओ डालेंगे तो फिर यार नहीं यार पत्थर टूट गया मेरा। तो अभी हम लोगों ने ये वाले पतंग को डाला है, ये देखे फाइनली ये वाले पतंग आने वाले। ना सभी फेंके जल्दी, इधर फेंके, ये वाली पतंग हमारी आएगी जी, फेंके जल्दी जल्दी, ये वाला पतंग हमारा आ जाएगा। ये देखे अभी मैं भी फेंकता हूँ, ये देखे फाइनली हमारा। तो फाइनली हम लोगों ने दो पतंग पकड़ लिए, अब एक रह गया जी, वो भी पकड़ते हैं। अभी एक पतंग रह चुका है, इसके बाद आप लोगों को और तरीके बताएंगे कि आप कैसे पतंग उतार सकते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगह से। अभी यार हम लोग तीसरा पतंग उतारने जा रहे हैं, देखते हैं ये आता था या नहीं आता। तो दो हम लोगों ने उतार लिया, तो आ जाए स्टार्ट करें। तो ये है जी भाई तीसरा पतंग, ये देखे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। पतंग मुश्किल से उतर रहा है, इसका पता नहीं क्या बात है, इसको ये पतंग नहीं आ रहा हमारे। ये देखे, ये देखे, ओए होए फाइनली यार, यार यार ये देखे ये वाला पतंग का क्या हाल कर दिया यार, पतली हो चुकी है यार। ये क्या हो गया मड़ा, इसको क्या कर दिया आपने? कोशिश करें यार आप लोग तलामों के ऊपर डाले, सारा पतंग खराब कर दिया है। फाइनली यार आप लोग देख सकते हैं कि एक पतंग हमारा फट चुका है, दो पतंग हमारे सही सलामत है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं, वहां से पतंग पकड़ने का तरीका बताते हैं। ये लो भाई आपका एक हिस्सा, तो इसका क्या करें? ये आधा आधा कर ले, ये आधा आधा कर ले, आधा रख लो, ये लो आधा, आप रख लो आधा। जाओ अब जाओ यार, एक ये ले, एक हिस्सा इसको दे दिया, एक हमारा, जाओ 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 भाई। तो ये वाला पतंग हम लोग को मिल गया, अब हम लोग ने ये वाला तरीका यूज किया था, अब हम लोग और कोई तरीका यूज करते हैं, आप लोग भी ये वाला तरीका आजमा सकते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं जी अपनी दूसरी लोकेशन पे, तो यहाँ से हम लोग पतंग पकड़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ पे साथ ही दरख्त है, तो आप जी हम लोग इसके ऊपर पतंग फेंकेंगे और फिर आप लोग को पकड़ने का एक नया तरीका बताएंगे। और यार वो तरीका है जी बहुत ही कमाल का। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का एक पाइप है, आप लोग को स्टिक भी ले सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग ने इस तरह का एक धागा लेना मजबूत सा, इसे आप जितना मर्जी खींचे ये टूटने नहीं वाला। इसके बाद आप लोग ने इस तरह की कुंडी लेनी है, जो कि औजार है हमारा, आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, फिश पकड़ने के लिए औजार इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे इस तरह से कुछ बना लेना, ये देख लें। तो अभी जी आप लोगों ने मोटा धागा लेना जो कि टूटे ना, तो इसको इस तरह से बांध देना है। ये देखिए आप लोगों ने कुछ इस तरह से बांध लेना है, और ये वाला हिस्सा आप लोगों ने इधर पाइप के साथ इस तरह से बांध लेना है। ये देखिए भाई आप लोग स्टिक या कोई भी चीज़ आप लोगों के पास हो आप लोग यूज कर सकते हैं, धागा लें और फिश पकड़ने के लिए औजार होता है वो लें, काम आप लोगों का बन गया। काम समझो बन गया, इससे पतंग एक बार आ जाए तो फिर नहीं रुकता, जो मर्जी हो जाए। पक्का यानी के पक्का तरीका ये पतंग पकड़ने का। ये देखिए भाई फट जाएगा लेकिन, ये देखिए कुछ इस तरह का बन गया, ये देखिए भाई। तो अभी हमारा पतंग जाएगा जी सीधा दरख्त के ऊपर, और फिर हम लोग इसे पकड़ने का तरीका आप लोग को बताएंगे। तो अभी हम लोग ये वाला पतंग नीचे फेंकेंगे, तुम भाई ये देखना ये, और यार मैं आप लोग को पकड़ के बताऊंगा। ये ओ यार बहुत ठीक है यार, ये वाला पतंग बहुत ही नीचे चला गया, कोई बात नहीं पकड़ के आप लोग को दिखाएंगे। इसके बाद ये वाला पतंग ये देखना, ये वाला पतंग भी
ये आ गए वापिस आ गए यार। हवा तेज है अब बकर भाई, अच्छे तरीके से यार फेंको। हवा तेज है, ये चला गया, ये चला गया। तो अब उसके बाद आगे वाला पतंग फेंको। तो अभी जी दो पतंग हमारे नीचे चले गए, अभी ये वाला तीसरा फेंकूंगा, तो ये भी जाने लगा, ये देखना। ये चला गया, ओ वो नीचे गिर गया, अली भाई ने पकड़ लिया। वो देखे अली भाई ने पतंग पकड़ लिया, अली भाई ने पकड़ लिया वो देखे। तो दो पतंग हमारे दरख्त के ऊपर गिर चुके हैं, एक पतंग हमारा नीचे। अभी हम लोगों ने ये वाला औजार बनाया, ये देखे कुछ इस तरह की ट्रिक लगाई है, पीछे पाइप आगे ये वाली कुंडी। तो नासिर भाई इधर आए, पकड़े नासिर भाई। चलो यार मैं पकड़ के दिखाता हूँ आप लोगों को प्रोफेशनल तरीके से। तो मछलियाँ भी पकड़ते हैं, आज पतंग पकड़ा जा रहा है, ये देखें अभी फेंके जैसे फिश पकड़ते हैं, आज ही आपका भाई आप लोगों को पतंग पकड़ के दिखाएगा प्रोफेशनल तरीके से। तो ये देखे जी, ये हमारा उजार गया जी पतंग के ऊपर। आप लोगों ने कोशिश करके तलामों के ऊपर भाई डाल लेना, ये देखे नासिर भाई ने तलामों के ऊपर डाला है। नासिर भाई तलामों के ऊपर डालना ताकि पतंग हमारा आसानी से आ जाए। जो मछलियाँ पकड़ने वाला औजार आज गड्ढे पकड़ने के काम, जो हम लोग पत्थर फेंकते हैं ना वो कभी इधर गिर जाता है कभी आ चुकी है मछली, आ चुकी है। ये देखे, ये देखे उठ भी रहा है, क्या बात है भाई। ये देखे इतना पक्का यार फंसा कि ये अब कहीं पे नहीं जाएगा, ये हमारे हाथ आ गया, अब ये हमारा और किसी का नहीं हो सकता। हाँ। तो अभी इसे लेके आता हूँ जी वापस। ये आ गया जी हमारा पतंग, ये मेरा हो गया भाई, ये आ गया जी हमारे पास। अगर एक बार हमारा पतंग इस कुंडी के अंदर फंस जाए फिर नहीं पतंग कहीं भी जा सकता, तो फिर मजा आ जाएगा। एक पतंग यार हमारा ज्यादा नीचे चला गया, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, ये जो धागा ना इसको हम लोग अभी और लंबा बांधते हैं ताकि पतंग तक एक बार पहुंच जाए, फिर हम लोग उसे वापस ले आएंगे। तो अभी हमारा एक पतंग यहाँ पे गिरा, ये देखिए, तो अभी हम इसे पकड़ेंगे। तो ये वाला आप लोगों ने औजार ले लेना, तो अभी आपको बताता हूँ कि कैसे पकड़ना है। इससे ये होता है कि जो हमारी कुंडी होती है वो सीधे जाके निशाने पे गिरती है, ये देखना। इससे मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ, ये देखिए मैंने तलामों के ऊपर डाल दी, ये देखिए। लेकिन जो पत्थर होता है उससे ये काम नहीं होता, ये देखिए पड़ गया, और इस तरह से खींच लेना, ये देखें। ओ यार अब बकर भाई आपने यार फाड़ दिया पतंग, ये देखें अब यहाँ पे आराम से यार लेके आना था, ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये वाला जो धागा वो मजबूत लेना है, ताकि आप लोग जितनी जोर से खिंची लगाओ ये वाला धागा टूटे ना। ये देख ले कितना मजबूत है, ये देखे टूट नहीं रहा, तो देख ले टहनी टूट गई है, लेकिन पतंग हमारा सही सलामत वापस आ गया। तो अभी यार अबू बकर भाई आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जो कि सबसे इजी तरीका है। यार आप लोग देखते हैं कि हमारे पतंग ऊपर अटके हुए हैं, तो पकड़ेंगे कैसे अब बकर भाई बताएं कैसे पकड़ा। तो मान लेके यार आप लोग के पतंग इस तरह से तार के ऊपर फंस चुके हैं नासिर भाई, और वो हाइट पे है, ज्यादा हाइट पे है। तो आप लोग जब क्रिंकी डालेंगे, जो क्रिंकी पत्थर वाली क्रिंकी होती है, वो ये होता है कि कभी इधर गिर जाती है कभी इधर, सही निशाने पे नहीं गिरती। तो ये ऐसा तरीका है कि भाई सीधा जाकर निशाने के ऊपर ऐसे करना। आप लोगों ने ये जो पाइप है ना ये लंबा लेना, स्टिक आपके पास स्टिक जो भी चीज हो आप लोगों ने लंबी ले लेनी है, ताकि वो ज्यादा हाइट पे जाए और आप लोग का पतंग इजीली वापस आ सके और आप लोग पतंग पकड़ने में कामयाब रहे। तो अभी जो बकर भाई पकड़ने लगे हैं, देखते हैं कि हाथ आता या नहीं, ये बहुत यार आसान तरीका है पकड़ने का। यार अब बकर भाई कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं वो बकर भाई पकड़ पाता है नहीं। अब बकर भाई लेके ना, ये देखे, ये देखे अभी आने लगा पतंग, वो आ गया भाई, आ गया, ये देखे ना फंस गया, ये चक्री यार, ये चक्री से आप लोग पतंग उड़ा सकते हैं, ये देखे एक बार फंस गया फिर भाई। ये ऐसा तरीका कि एक बार इसके साथ पतंग फंस जाए फिर नहीं भाई उतर सकती, जो मर्जी हो जाए, ये देख ले। अब ये बकर भाई लेके आएंगे, बकर भाई 1 2 3 गो खेचो, ये आ गया जी, ये गिर गया जी सही सलामत, नीचे गिर गया जी, ये देखे फाइनली पतंग नासिर भाई सही सलामत ले आया, ये पतंग यार सही सलामत ले आया, ग्रेट हो गया, गुड कर दिया यार काम। नासिर भाई कह रहे थे कि सही सलामत ले आना, फाइनली सही सलामत ले आया। यार ये थी 3 तरीके जो कि मैंने आप लोग को बता दी कि आप लोग इस तरह से पतंग। तो अगर आप लोग यार ये वीडियो पसंद आई आप लोगों ने कमेंट करके बताना, हम लोग नेक्स्ट भी यार इसी तरह की और यूनिक ट्रिक आजमाएंगे। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है ट्रिक के रिलेटेड, उनमें से सबसे बेटर ये वाले ट्रिक ने नासिर भाई काम किया है, क्यों नहीं, ट्रिक कामयाब बहुत रही है यार भाई। इससे एक बार इससे हम लोगों ने फायदा भी बहुत ज्यादा उठाया, जब हमारा पतंग कहीं गिर जाए या कुछ भी हो जाए तो हम लोग इससे वापस ले आते हैं। पत्थर से ये होता है कि कभी इस साइड को कभी इधर सही निशाने पे नहीं गिरती, इससे भाई सीधा निशाने के ऊपर डालो पतंग आपका हाथ में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।